राज्यसभा में बुधवार को जनजातीय मंत्रालय से जुड़े एक विधेयक पर चर्चा करते हुए बीजेपी की एक महिला सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए कहा कि उनके पास 16 कलाएं हैं। यद्यपि उपसभापति हरिवंश ने बीजेपी सदस्य को 2 बार नसीहत दी कि वह अपनी बात केवल विधेयक तक सीमित रखे। उच्च सदन में बीजेपी की संपत्तियां ओइकी ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह तुलना की। संपत्तियां ओइके ने कहा कि देश में कई प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए काम किया, किंतु वे केवल भारत तक ही सीमित रहे। संपत्तियां ओइके ने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति और राष्ट्र एवं विश्व कल्याण की भावना है, जिसकी वजह से वह निजी स्वार्थ को छोड़कर देश एवं दुनिया के लिए काम में लगे हुए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इसी कारण मोदी आज वैश्विक नेता कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका हो, रूस हो या फिर पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान हो, वे भी आज प्रधानमंत्री मोदी के मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। संपत्तियां ओइके ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज के युग के कृष्ण भगवान हैं। 16 कलाएं भगवान कृष्ण में थी, वे कलाएं माननीय मोदी जी में भी है। भाजपा सदस्य प्रशंसा में यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास आवाहन की तुलना प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कर डाली। जी हां, आपको बता दें कि संपत्तियां ओइके ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, वही काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इस पर उप सभापति हरिवंश ने कहा कि वह विधायक झारखंड के बारे में हैं और भाजपा सदस्य केवल उसी पर अपनी बात रखें। संपत्तियां ओइके ने इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री की प्रशंसा जारी रखी तो उप सभापति ने उन्हें फिर टोकते हुए कहा कि वह दूसरे विषय पर बोल रही हैं, उन्हें विधेयक के विषय पर बोलना चाहिए। जी हाँ, तो आपको और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। रजनी की रिपोर्ट।